मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में लगातार नकली प्रोडक्ट के कारखाने मिलने का क्रम जारी है। नकली घी के कारखाने के बाद अब क्राइम ब्रांच को नकली फर्टिलाइजर बनाने वाले कारखाने पर छापामार कार्रवाई की, जहां से बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल और अलग अलग कंपनियों के स्टिकर मिले। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसुड़िया मोरी में अलग अलग नाम की कंपनियों के फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कृषि विभाग के साथ मिलकर कारखाने पर दबिश दी, जहां पर बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर बनाने का कच्चा माल मिला। गौरतलब है कि लगातार खेती में उपयोग आने वाली दवाओं के नकली गोडाउन की जानकारी क्राइम ब्रांच को लग रही है। पिछले दिनों भी क्राइम ब्रांच ने कई नकली कारखानों पर छापामार कार्रवाई की। यह सूचना मिली थी कि लसुड़िया मोरी क्षेत्र में कुछ जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें बेसिकली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नकली कारखाना चल रहा है, जिसमें नकली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कंपनियों के नहीं हैं। तो इस सूचना पर लसुड़िया मोरी, मतलब लसुड़िया थाने के स्टाफ के साथ लसुड़िया मोरी स्थित गोदाम पर दबिश दी गई, और उसमें साथ में एग्रीकल्चर की टीम को भी लिया गया था। और वहाँ पर जब दबिश दी गई तो वो सुनील जुनेजा का पाया गया, जब सुनील जुनेजा चूँकि वहीं गोदाम में मिले, और उनसे फिर जब पूछताछ की गई, और तब फिर ये पता चला कि वहाँ पर बेसिकली वो लोग अलग अलग कंपनियों के रैपर्स लगाकर और बड़े ड्रम थे, बोतलें थी, उनमें वो काफ़ी भर रहे थे उनको, और अवैध रूप से उनका निर्माण कर रहे थे। ना उनके पास निर्माण करने का कोई लाइसेंस, ना उनको बेचने का कोई लाइसेंस था, ना ही कोई उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। एक पूना की कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिला था, लेकिन वो पूना की कंपनी का रजिस्ट्रेशन का अर्थ ही वो था कि वो बनाएगी भी पूना में ही, उसका मैन्युफैक्चर करेगी। फिर उसके बाद अलग अलग कंपनियों के उसमें रैपर्स थे, जो डिफरेंट कंपनियाँ थी, गुजरात की थी, महाराष्ट्र की कंपनियों के अलग रैपर्स थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि ड्रम में वो सारी चीज़ें बन रही थी, जब उनको मिक्स करके, जब जो रॉ मटेरियल को मिक्स करके अलग अलग ब्रांड की जो टीनें रखी हुई थी, उनमें अलग अलग ब्रांड था, उनमें सब में मिक्स करके और पूरे इसमें सप्लाई कर रहे थे। तो उसमें फिर उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें लगभग 1000 लीटर के करीब उसमें ड्रमों में काफ़ी इसका रॉ मटेरियल मिला, जो केमिकल्स मिला है उसका सैंपल ले लिया गया है। कुछ रेडीमेड जो पैक्ड मटेरियल मिला है वो भी उसमें सैंपलिंग के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लिया गया है। फिलहाल चूँकि अलग अलग कंपनियों के रैपर्स, ना या कोई चलाने का कोई लाइसेंस, ना निर्माण का कोई लाइसेंस, और ना ही सप्लाई करने का, सेल करने का कोई लाइसेंस था, और इस तरह के जो संदेहास्पद जो वस्तुएं और जो प्रोडक्ट्स दिखाई दिए वहाँ पर, और अलग कंपनी के रैपर्स दिखाई दिए, इस आधार पर उस गोडाउन को सील करके और थाना लसुड़िया में IPC 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सुनील जुनेजा एवं समीर खान, जो कि खजराना के रहने वाले हैं, समीर खान बेसिकली ये जो रैपर्स थे नकली, वो उनका बनाने का निर्माण का कार्य करता था। तो इन दोनों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया, इनसे और पूछताछ की जा रही है, और इनका जो पूरा इनका रजिस्टर जब्त किया गया है कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ सप्लाई की गई है, और इस तरह की जो ये उसमें और कौन कौन लोग शामिल है, कहीं जो सप्लाई करते हैं वो लोग भी ये जानते हुए इसको खरीद कर और सप्लाई कर रहे हैं, इन सारी एंगल्स पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सर लगभग कितने का माल बेसिकली इसका कीमत आंकना तो हमारे लिए अभी संभव नहीं है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, पर सडनली एक बहुत बड़ी तादाद में पूरा गोडाउन भरा हुआ था, 100 से अधिक उसमें ड्रम थे, और लगभग 1000 लीटर से ज़्यादा उसका केमिकल्स था, और भी कई रॉ मटेरियल थे जो कट्टों में, बुरों में या फिर अलग टीनों में भरे हुए थे। निश्चित रूप से भारी मात्रा में वह सामान था। सर कंपनी का कुछ नाम? मैं सर अच्छित के नाम से, अच्छित इंटरप्राइजेज के नाम से ये लोग रन कर रहे थे, लेकिन नहीं इसके खिलाफ और कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ नहीं पाया गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।